तो ये है इधर हवाई पट्टी, और अभी मैं आज जा रहा हूँ मार्केट, तो अब चलते हैं मार्केट की तरफ। तो अभी मैं निकल चुका हूँ घर से, और यहाँ पे देखो 2 दिन से पानी सूखा हुआ नहीं है। कोई बात नहीं, आज हम पानी से फर करके लेके जाएंगे। और ये देखो दीदी आज खतरनाक जोश में लग रही है, और स्कूटी खतरनाक भगाई हुई है। तो अभी घर पे पड़े पड़े बोरियत सी आ रही थी, तो मैंने सोचा आज हम जाते हैं मोमो खाने। यहीं पास में एक दुकान है, तो वहाँ जाएंगे हम मोमो खाने, और बहुत ही टेस्टी मोमो बनाती है वो आंटी। तो जाएंगे, देखते हैं दुकान ओपन होगी या नहीं। तो अभी चलते हैं फटाफट और मोमो खाएंगे। ओ ये रही दुकान, लेकिन ये बंद है आज। तो यार कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मोमो खाने आया था मैं, लेकिन दुकान बंद है। चलो कोई बात नहीं, ये देखो छपरी, छपरी राइडर, ये छपरी आपको हर जगह मिल जाएंगे, हर इलाके में पाए जाते हैं ये। इनकी पहचान इनके लंबे बाल और कलरफुल बालों से होती है। तो ये सब छोड़ो, अभी हम जा रहे हैं यहीं नीचे रेलवे का कुछ प्रोजेक्ट चल रहा है, वो देखने चलते हैं, जो रेल लाइन बिछ रही है उसको देखने। ठीक है, तो अभी जो ये नीचे गेट दिख रहा है ना, ये ऑरेंज कलर का है, तो यहाँ से जाएंगे हम, और यहाँ पे से हमको नीचे टर्न लेना है। पहले गाड़ी देख लेते हैं, कहीं पीछे से कोई गाड़ी आके ठोक ना दे। तो चलो, ये रास्ता जाता है नीचे भटनगर, काफ़ी बड़ी जगह है ये, तो वहाँ जाना है अभी हमने। और ये है गेट, ये है वो। तो अभी ये भैया दौड़ते हुए क्यों आ रहे हैं, कहीं आगे बाघ तो नहीं है? तो अभी चलते हैं, और यहाँ पे क्या किया जाए। तो अभी मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि पहले यहाँ दिखाया जाए या नीचे जाया जाए। तो सबसे पहले गाड़ी को करते हैं न्यूट्रल, और मैं बहुत कंफ्यूज रहता हूँ यार क्या किया जाए। तो चलो नीचे ही चलते हैं यार। तो अभी हम नीचे चल रहे हैं, और यहाँ पे इतना ज़्यादा डाउन है रोड कि आप फिसलन पट्टी खेल सकते हो। वाह और अभी हम जा रहे हैं, और इस रोड पे काफ़ी छोटे छोटे पत्थर हैं, अगर थोड़े से ही फिसले ना तो हाथ पैर ऐसे छिलेंगे ना आलू के तरह एकदम। तो अभी मैं अपनी वीडियो में बार बार हम बोल रहा हूँ, तो हम का मतलब है, हम का मतलब हम 4-5 लोग नहीं है, हम 2 स्कूटी और मैं केवल। अच्छा ठीक है। तो अभी हम आ गए हैं यहाँ नीचे, और सामने चल रहा है रेलवे प्रोजेक्ट का काम। तो ये पहाड़ को खोद के उस पार सुरंग बना रहा है, मतलब ताकि रेल के लिए पटरी बिछाएंगे। और यहाँ पे चल रहा है रेलवे स्टेशन बनेगा, जो ये नीला नीला दिख रहा होगा आपको, तो यहाँ पे बनना है रेलवे स्टेशन। और अभी हम गौचर से थोड़ा ही नीचे आए हैं, और ये है जहाँ पे सुरंग का काम चल रहा है। डेली यहाँ ब्लास्टिंग हो रही है, और ब्लास्टिंग कर करके इन्होंने गौचर वालों के मकान इतने कमज़ोर कर दिया ना, खिड़की दरवाजे हिल रहे हैं जब ब्लास्टिंग हो रही है। भूकंप भी ऐसा लग रहा है कि रेलवे वाले ब्लास्टिंग कर रहे होंगे, भूकंप का भी पता नहीं चल रहा है। तो हर रोज़ यहाँ ब्लास्टिंग वगैरह हो रही है सुरंग बनाने के लिए। तो उधर रेलवे स्टेशन का काम वगैरह चल रहा है, और ये देखो मौसम एकदम क्लीन एंड क्लियर, फेस वॉश की तरह सब क्लियर हो रखा है आज, कोई बादल वगैरह है नहीं। तो अब चलते हैं, और अब जाएंगे मेला ग्राउंड की तरफ, तो जहाँ पे मेला होता है गौचर मेला, तो वहाँ जाएंगे। तो अब चलो चलते हैं। तो ये है वो जगह जहाँ पे बनना है रेलवे स्टेशन, जो मैंने उधर से दिखाए थे नीला नीला। तो यहाँ पे अभी रेलवे के कर्मचारी रह रहे हैं,
और कुछ टाइम बाद ये एकदम रेलवे स्टेशन बन जाएगा। तो यही है वो। तो अब हम जा रहे हैं मार्केट की तरफ। यहाँ पर रुका हुआ था मैं आपको नीचे रेलवे स्टेशन जहाँ पे बनना है वो दिखाने के लिए। तो अब जाएंगे हम मार्केट की तरफ और अब दिखाएंगे आपको मेला ग्राउंड। और चलो अब चलते हैं। और ये है पूरा गौचर का मार्केट और मार्केट ही मार्केट है। काफ़ी बढ़िया मार्केट और साफ़ सुथरा है। हमारे करण प्रयाग से तो ज़्यादा ही साफ़ सुथरा है ये। और मेले के टाइम पे यहाँ इतनी भीड़ भाड़ हो जाती है ना कि आदमी को पैर रखने तक की जगह नहीं मिलती है। खतरनाक वाली भीड़ हो जाती है। और ये देखो गौचर की सड़कें कितनी साफ़ सुथरी और चौड़ी सड़कें हैं। एकदम मज़ा आ जाता है यहाँ घूम के। और ये देखो बुलेट वाले भैया बट 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 करके निकल रहे हैं। बुलेट वालों का सही है, जो चलाता है उसको पता नहीं चलता, लेकिन जो अगल बगल लोग रहते हैं उनको साफ आ जाती है आवाज़ बट 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 बट। तो अभी वो काफ़ी दूर चले गए हैं फिर भी मेरे को यहाँ आवाज़ साफ सुनाई दे रही है। ये बट 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 लगे रहते हैं। मज़ा तो है ना एक बुलेट में। और अभी हम पहुँच गए हैं ग्रीफ चौक पे और देख रहे हो कितना ट्रैफिक रहता है यहाँ पे। कभी भी अगर आपको करण प्रयाग की गाड़ी पकड़नी है तो यहीं पे से पकड़ लेना, आगे से भी मिल जाती है। तो अभी हम जा रहे हैं अंदर मेला गेट। तो ये दिख रहा है बड़ा सा, ये है मेला गेट। तो ये मेन गेट है मेले ग्राउंड में एंटर होने का। और यहाँ पे अभी क्रिकेट वगैरह की प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं ये देखो। और अभी हम जाएंगे आगे और इसके चारों तरफ घूमेंगे ग्राउंड के, मतलब बाहरी बार घूमेंगे अंदर नहीं जाएंगे। अंदर वैसे भी जाने नहीं देते हैं, केवल अगर आपको कुछ खेलना है तभी जाने देते हैं। और मेले के टाइम पे तो भाई बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है। तो ये पूरा ग्रिफ वालों का ऑफिस वगैरह है ये मेरे राइट साइड में जो आपको दिख रहा होगा। यहाँ पूरा ग्रिफ वाले रहते हैं, BRO वगैरह उनके ट्रक रुके हुए हैं ये सब। और ये देखो ये लेफ्ट साइड ये पूरे ग्राउंड की बाउंड्री की हुई है ताकि हर कोई ग्राउंड में ना घुसे, हमारे जैसे लोग जो कहीं से भी आके ग्राउंड में घुस जाते हैं, तो इसलिए की हुई है बाउंड्री। बाकी अगर आप ऐसे घूमने जाने तो आप जा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे राइट साइड है ये सैनिक विश्राम गृह और ये सामने है केंद्रीय विद्यालय गौचर, KV गौचर। तो मेरे भाई ने भी यहीं से पढ़ा है, 12th पास किया है गौचर से। और यहाँ पे है ये बनाया हुआ है जो ये आपको लेफ्ट साइड दिख रहा होगा ये ग्रीन ग्रीन, तो अब तो ये पीछे छूट गया। यहाँ पे गाय वगैरह रखी रहती है, यहाँ आपको सड़कों पे गाय नहीं दिखेगी। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है गौचर वालों की कि इन्होंने गायों के लिए एक अच्छे से रहने के लिए एक जगह बनाई हुई है। और अब चलते हैं यहाँ से बाहर की तरफ। ओए तो धूप में घूम घूम के, अरे बच्चे तो ये देखो ये बच्चे कैसे साइकिल चला रहे हैं, देख भी नहीं रहे हैं, रॉन्ग साइड आ रहे हैं। तो यहाँ पे है देखो ये गायें, इतनी सारी गायें पाली हुई है। ये देखो कितनी प्यारी प्यारी गायें हैं, लोग ऐसे मार्केट में छोड़ देते हैं। तो ये देखो देख कैसे मुंह डाल रही है। ये देखो अगर आपके घर में रोटी वगैरह सब्जी वगैरह कुछ बच जाती है तो इन गायों को खिला दो। तो यहाँ पे इनका पालन पोषण हो रहा है इन गायों का, मतलब यहाँ पे इनकी देख रेख हो जाती है। तो ये सड़कों पे कम आती है, मतलब आती नहीं है, और इससे क्या होता है एक्सीडेंट होने के चांस भी कम हो जाते हैं। अगर गायें नहीं हैं सड़कों पे तो बढ़िया अच्छी बात है ना, गंदगी भी नहीं होती है। तो यहाँ देखो इतनी सारी गायें हैं। तो अब आगे चलते हैं हम और आगे आपको दिखाते रहेंगे। और अब यहाँ से बाहर चलते हैं और देखो अब धीरे धीरे हल्के हल्के ऊपर बादल दिख रहे होंगे आपको।
और यहाँ पे हमारे सामने जा रही है एक स्विफ्ट, और ये जो मेरे राइट साइड है ये है DLED वालों की ट्रेनिंग होती है, और यहाँ पे लेफ्ट साइड पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की एक मूर्ति और SBI बैंक है यहाँ पे। ये देखो, ये एक पीपल का पेड़ है और यहीं पे से करण पे आके गाड़ी भी लगती है, और यहीं पे पार्किंग भी है बाइक की। तो अब हमको लेना है लेफ्ट, और ये है मार्केट। तो अभी जिस गेट से आए, ये तीसरा गेट था गौचर मेला ग्राउंड में एंटर होने का, और यहीं आगे पे ये दिखाई दे रहा होगा अभी आपको। ये देखो, ये लेफ्ट साइड ये है दूसरा गेट, तो आप किसी भी गेट से एंटर कर सकते हो। तो ये देख लिया आपने तीनों गेट, और ये है गौचर का मार्केट। ये देखो, ये देखो, ये बस वाले देखो कैसे चलाते हैं, एकदम डायनासोर की तरह चलाते हैं। हम स्कूटी वालों को तो कुछ समझते ही नहीं है ये भाई, हम भी तो रोड पे चल रहे हैं। तो अब क्या करें, अब शायद घर चलते हैं, और तो कुछ है नहीं यहाँ दिखाने के लिए। कुछ कल दिखाया, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक आई बटन पे होगा ऊपर। और इस वीडियो में इतना ही, अब चलते हैं घर की तरफ। देख ही लिया आपने गौचर मार्केट। अभी तो यहाँ भीड़ भाड़ है नहीं, शाम को काफ़ी भीड़ रहती है अभी, सब कोई स्कूल में, कोई कॉलेज में, और हम यहाँ डबडिया रहे हैं। तो अब घर चलते हैं, और देख ही लिया होगा आपने गौचर मार्केट। और तो बस इतना ही है, बाकी तो अब मुझे मालूम नहीं है। और यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। और बाकी तो आपने देख ही लिया है गौचर मार्केट वगैरह। और अब चलते हैं, देखते हैं घर जाते टाइम, क्या पता मोमो वाली आंटी की दुकान खुली हो तो मोमो खाएंगे, वरना बिना मोमो खाए ही घर चले जाएंगे और सो जाएंगे। और क्या करें, बाकी और लोग भी बनाते हैं पर उतना अच्छा नहीं बनाते हैं जितना अच्छा वो आंटी बनाती है। अगर गौचर से कोई देख रहा है तो उस आंटी को शेयर करो और बोलो कि दुकान खोलें, क्योंकि हम बहुत दूर से आए हैं उनके मोमो खाने के लिए, पूरे 10 किलोमीटर दूर से आए हैं। और ये देखो कितनी लाइन लगी हुई है गाड़ियों की, यार एक पार्किंग की सुविधा तो होनी चाहिए यहाँ। तो ये देखो, यहाँ पे रोड मतलब एकदम सीधी सीधी है, तो लोग एकदम फर्राटेदार गाड़ी चलाते हैं एकदम स्पीड में। और यहाँ पे गलियाँ भी है, तो कई बार बच्चे गलियों से बाहर निकल के रोड पे आ जाते हैं, तो इसलिए आराम से जाना चाहिए यहाँ पे। और अब चलते हैं, अब थोड़ी देर में आंटी की दुकान आने वाली, तो देखते हैं खुली होगी या नहीं होगी। तो क्या होता है, तो कहाँ गई दुकान, दुकान कहाँ गई, अरे दुकान तो आगे रहेगी, मैं ज़्यादा ही जल्दी रुक गया यहाँ, और मैं तो दुकान देख रहा, दुकान दिख ही नहीं रही है, क्योंकि दुकान तो आगे रह गई। और कहाँ है, अरे ये देखो दुकान फिर बंद। तो अब यहाँ पे रुकने का कोई है नहीं, नीचे मैंने दिखाई दिया। तो अब घर चलते हैं, और घर पे जो होगा वो खाएंगे, रोटी सब्जी खाएंगे और सो जाएंगे, फिर तब शाम को निकलेंगे यहाँ से, मतलब घर से बाहर, और इधर उधर घूमेंगे। और क्या करें, बस यही काम है मेरा। और आप लोग वीडियो को शेयर कर दिया करो, आप लोग शेयर नहीं करते हो, और कमेंट किया करो आपको जैसे भी लगे वीडियो, अगर वीडियो में कोई कमी या गलती है तो वो भी लिख दिया करो कि हाँ भाई ऐसी है वीडियो में, अलाना फलाना गलत बोला हुआ है या अलाना फलाना नहीं बोला हुआ है, तो वो सब मैं बोल दिया करूँगा आगे से। तो अब हम पहुँचने ही वाले हैं घर, और सामने हवाई पट्टी का गेट। और होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि मेरे जल्दी से जल्दी 1K सब्सक्राइबर हो जाएं, और तब धमाकेदार वाली वीडियोस आए। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे न्यू ब्लॉग के साथ, तो अभी के लिए बाय बाय।